और आपसे उम्मीद है कि आप समाजवादी पार्टी का माननीय अध्यक्ष जी का पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जितनी जिम्मेदारी नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत सभी वर्गों को साथ लेकर जनपद मथुरा की बंजर भूमि में 2027 में साइकिल चलाकर निश्चित जनपद में इतिहास बदलने का काम करेंगे। देखिए क्या कहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने। प्रेस वार्ता के द्वारा आज मैं पत्रकार भाइयों से रूबरू हुआ हूँ, मुखालफत की है मैंने अपनी पार्टी की नीतियों और रीतियों के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जनपद मथुरा का अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके बताए हुए मूल मंत्र पीडीए को धार देने का यहाँ काम करना है और जनपद मथुरा में एक नया इतिहास बनाने का मुझे प्रयास करना है। आज तक कोई विधायक यहाँ से जीत कर नहीं जा पाया है। हम ईश्वर के आशीर्वाद लेकर, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एक विधायक हम अपनी समाजवादी पार्टी को दे पाएं। देखिए एक देसी कहावत है, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूत विद्या मल्लई थी, 12 वर्ष चल रही है, अब इनका अंत होना बहुत निश्चित है। मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान सब समझ चुके हैं कि ये किसी का कोई हित नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इनका काम तो बेचने का है और ये भारत को तोड़ तोड़ कर बेच रहे हैं। देखिए सारी तो रेल बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, जितनी पीएसयू हैं जिनको भारत का नवरत्न कहा जाता है, आधी से ज़्यादा ये बेच चुके हैं और आधी से ज़्यादा की बिड तैयार करा रहे हैं, सारी आउटसोर्स पर नौकरियाँ दे रहे हैं, पक्की नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी, अग्निवीर जैसी घातक योजना इन्होंने यहाँ लागू कर दी और मुझे तो लगता है अभी बहुत जल्दी अग्निवीर की तरह पुलिसवीर भी ये यहाँ पर नई योजना लागू करके पुलिस को भी ख़त्म कर देंगे। देखिए हमारी सरकार तो श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी आपने देखा, लैपटॉप हमने बांटे, पेंशन हमने बांटी, साइकिल हमने बांटी, किसानों की भेज और आपासी हमारी सरकार ने समाप्त की, बच्चियों को जो शिक्षा लेती है उनकी पूरी शिक्षा मुफ्त की, तो ऐसे अच्छे कार्य हमारी पार्टी द्वारा उस समय किए गए जिनको आज भी किसान, मजदूर और सभी लोग, नौजवान याद करते हैं। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।